नमस्ते, मैं डॉक्टर अनूप तोष्णीवाल। आज अपन चर्चा करेंगे लंग कैंसर के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं लंग, इसको हिंदी में कहते हैं फेफड़ा। तो फेफड़े के कैंसर के बारे में, जो लंग कैंसर है ये लीडिंग कॉज है मॉर्टलिटी का मेल्स में और फीमेल्स में इंडिया में, यानी पुरुषों और स्त्रियों में आजकल बहुत कॉमन होते जा रहा है लंग कैंसर, और एक बहुत प्राइम रीज़न है कैंसर में डेथ होने का। सो लंग कैंसर में होता क्या है कि जो लंग के सेल्स हैं वो अनरेगुलेटेड, यानी उस पर कोई नियंत्रण नहीं रहता है और वो बढ़ते जाते हैं, उसका गार्ड बनता है। अब जानते हैं इसके रिस्क फैक्टर के बारे में कि रिस्क क्या है, इसका क्यों होता है। तो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग, चाहे वो किसी प्रकार का हो, यानी सिगरेट हो, फिल्टर हो या ना फिल्टर हो, या फिर बीड़ी हो। इसके अलावा तंबाकू का सेवन, जैसे जैसे उम्र बढ़ता है उस हिसाब से रेडॉन गैस का एक्सपोजर, रेडिएशन का एक्सपोजर, या कुछ इंडस्ट्रियल टॉक्सिन या कार्सिनोजन का एक्सपोजर, इससे लंग कैंसर का चांसेस बढ़ जाता है। फैमिलियल रीजन जो है 2-4% लोगों में लंग कैंसर फैमिलियल होता है। अभी इसके लक्षण क्या है लंग कैंसर की, 2-3 हफ्ते से ज़्यादा अगर खांसी रह रहा है सूखा कंटिन्यूसली, या खांसी से खून आ रहा है, या भूख कम लगती है, या वज़न कम होते जा रहा है, छाती में कहीं एक जगह पर्टिकुलरली दुखता है जो सांस लेने पे बहुत बढ़ जाता है, या पीठ का दुखना, या कभी कभी ये पेशेंट जो है जो छाती के सिम्टम ना लेते हुए डायरेक्टली किसी झटके के साथ या अर्धांग वायु जिसको बॉडी में आधा काम करना बंद करता है, इन सिम्टम के साथ होते हैं। अभी हम लंग कैंसर पता करने के लिए क्या करते हैं जनरली, इसके लिए हमको जनरली पेशेंट का क्लिनिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री लेना होता है। इसके अलावा पेशेंट का स्कैन किया जाता है, आमतौर पर सीटी स्कैन या पेट स्कैन किया जाता है। उसमें अगर सस्पिशियस रहा कि कैंसर जैसा दिख रहा है तो उसका हम बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी यानी कैंसर का छोटा सा टुकड़ा निकालना और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखना। ये इसलिए ज़रूरी होता है कि कभी कभी टीबी के और कैंसर के लक्षण दोनों सेम आते हैं, डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल जाता है सिर्फ सीटी स्कैन या लक्षणों को देख के, इसलिए बायोप्सी करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कभी कभी अगर ये कैंसर बीच में रहा छाती का, तो ब्रोंकोस्कोपी यानी मुंह में हवा के नली के अंदर कैमरा डाल के, स्कोप डाल के उसका फोटो लेके और उसका टुकड़ा लेके भी हम कभी कभी इसका डायग्नोसिस करते हैं। अभी बढ़ते हैं कि इसका इलाज कैसे किया जाए। इलाज जो रहता है इसका डिपेंड करता है स्टेज पे, यानी कैंसर कितना बड़ा है और कितना फैला है। अगर स्टेज 1 या 2 या 3 तक होता है, जनरली वो स्टेज कैंसर के अंदर हम पहले सर्जरी या फिर रेडिएशन करते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन कितना बड़ा है उसके अंदर कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी दिया जाता है। स्टेज 4 का जो कैंसर है, जनरली ये जो कैंसर है फैला हुआ होता है, यानी हड्डियों में गया है, छाती के पानी में आ गया है, या दिमाग में गया है, या किसी शरीर के अन्य डिस्टेंट भाग को फैला हुआ है, तो उसे हम स्टेज 4 कहते हैं। इसके अंदर बायोप्सी पे हम कुछ मॉलिकुलर टेस्ट करते हैं, वो मॉलिकुलर टेस्ट में कुछ म्यूटेशंस चेक करते हैं, उसके हिसाब से हम इम्यूनोथेरेपी, कीमोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी ये चॉइस करते हैं, और पेशेंट के फिटनेस के हिसाब से, प्रेफरेंस के हिसाब से ये ट्रीटमेंट दी जाती है। ये हुआ लंग कैंसर के बारे में। ऐसी अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो की श्रृंखला देखते रहिए। मिलते हैं अगली बार। धन्यवाद।